हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर प्रजापति ऑफिशियल ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं आज आया हूं रंगोली बिजलीघर पर। मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजलीघर पर 132 बिजलीघर से 33,000 सप्लाई आती है और इस 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट कर हम किस तरीके से कंज्यूमर तक सप्लाई 440 वोल्ट उपलब्ध कराते हैं। तो आज मैं यही बताने के लिए बिजलीघर पर आया हूँ। तो आइए चलते हैं इसी वीडियो में, कल बताते हैं आपको 33,000 को 11,000 कैसे बदलते हैं। आज क्या है रंगोली बिजली घर पर, तो जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, ये 33,000 हमारी लाइन आ रही है और हम इसी लाइन के बारे में जो यहाँ के मेंटेनेंस ऑपरेटर हैं अंकित प्रजापति जी, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से 33,000 को हम 11,000 में कन्वर्ट करते हैं। तो अंकित जी, तो किस तरीके से लाइन यहाँ, अंकित जी ये 33,000 लाइन आ रही है, इस तरीके आप इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। ये अंकित जी टीपीएम में बता रहे हैं कि 132 से 33,000 निकल के आती है, तो ये बता रहे हैं कि हम टीपीएम में पहले कंट्रोल करते हैं। तो आइए टीपीएम में देखते हैं कहाँ से कहाँ है। टीपीएम में ये है हमारा इसको टीपीएम में बोलते हैं। तो ये 33,000 लाइन ये आ रही है, मोटी वाली बैर जो आ रही है, ये जो मोटी वाली आ रही है, ये इधर से आ रही है हमारे 33,000, इधर जा रही है 10 MVA के ट्रांसफार्मर में। तो 33,000 TFM ऊपर आकर फिर ट्रांसफार्म पे जाती है। सबसे पहले हमारे 33,000 को चार्ज करना पड़ता है, जब जाकर चार्ज कहाँ से होती है लाइन आपकी, ये हमारा लगा हुआ है BCP लगी हुई है। अच्छा, ये BCP चार्ज होती है आपकी लाइन, अंदर लगी हुई है हमारी, वो भी BCP है, वो BCP को चार्ज करने का काम करता है और चार्ज करके जब ट्रांसफार्मर हमारे ऑन होते हैं। ट्रांसफार्मर पे दिखाइए कहाँ आ रही है लाइन आपकी, फिर ये इन्होंने कहा कि 33,000 हमारी TPMO पर आकर TPMO से VCP में चार्ज होती है और VCP से निकलकर सीधी ट्रांसफार्मर पे आती है। तो गाइस हमारे इस टाइम यहाँ पर 33 आ रही है, तो हम ट्रांसफार्मर पर आ चुके हैं। तो देखिए गाइस, ये 33,000 लाइन आ रही है जिसमें बहुत भयंकर तरीके से करंट होता है, जिसकी रेंज कम से कम 2-3 फुट पे भी आदमी इसकी रेंज में आ सकता है, तो इसलिए इससे दूर आ जाता है। तो लाइन देखिए ट्रांसफार्मर पे आ चुकी है और यहाँ से और कभी जब सप्लाई काटनी होती है, तो हम जिससे बता रहे हैं कि अगर सप्लाई 33 हम बंद करनी होती या तो वहाँ से TPMO से कट कर देते हैं, फिर यहाँ से फ्यूज काट देते हैं। तो आइए गाइस ट्रांसफार्मर पे चलते हैं। तो जी ट्रांसफार्मर पे आ चुकी है, तो यहाँ 33,000 हमारी इन पाई है, यहाँ 33,000 इन पाई है। ये ट्रांसफार्मर, ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसका कार्य है 33 को कन्वर्ट करके 11,000 में निकालना, 11 KVA में निकालते हैं। तो यहाँ से ये कन्वर्ट कर देती है, तो कन्वर्ट के बाद फिर 11,000 कहाँ निकलती है, ये पैनल में निकलती है हमारे BCP में। तो आपका कहना है कि सब स्टेशन है ना उसके अंदर भी, तो आपका कहना है कि हमारी 33 जो है ट्रांसफार्मर पर आकर ये ट्रांसफार्मर भी हमारा कन्वर्ट करता है 11,000 का, और यहाँ से 11,000 निकल कर सीधी अंदर सब स्टेशन के अंदर पैनल में पहुँचती है, यहाँ से लाइन सब स्टेशन के अंदर जहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर से लाइन कन्वर्ट होकर 11,000 होकर हमारे पैनल पे आई है। तो किसी बताएंगे कि कहाँ 11,000 कहाँ कनेक्ट होती है पैनल पे आकर। ये सबसे पहले पैनल है हमारा 33 का, इससे हमारे ट्रांसफार्मर ऑन किए जाते हैं। अच्छा, तो गाइस ये इनका पैनल है 33 का, जिससे सप्लाई जिससे 33 को ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं मतलब, ठीक है। उसके बाद तो गाइस देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटफार्म पे वहां से 33,000 आकर 11,000 कन्वर्ट होने के बाद सीधी ये फिल्टर है जो BCP कहलाई जाती है, जो अलग अलग एरिए के हिसाब से अलग अलग सप्लाई बना दी जाती है, तो 11,000 यहीं पे आ रही है और यहीं से कंट्रोल होती है। तो गाइस ये कितनी फिल्टर रहेगा, पर ये अभी ब्लॉक को दो भागों में बांटा हुआ है। तो गाइस जब ट्रांसफार्मर से निकल कर 11,000 आई और यहीं से कंट्रोल होकर ये दो फीडर में सप्लाई यहाँ 11,000 बांट दी गई है, तो यहीं से हम कंज्यूमर को सप्लाई पहुंचाते हैं 11,000, और जगह जगह जो हमारे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं वहीं से हम 440 वोल्ट निकालते हैं, वहीं से हम उपभोक्ता को सप्लाई करते हैं।
ये 11,000 आपने कहा कि हम एरिया बांटते थे यहाँ से जो कॉलोनी वगैरह या एरिया में लाइन निकलती 11,000, तो हमें तो कंज्यूमर को देनी होती 440, तो फिर 11,000 को फिर 400 करवा देते हैं। 11,000 यहाँ से निकलते हैं, सब स्टेशन है, सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर बाहर निकल रखा हुआ है। अच्छा, जो बाहर एरिया गली के कौन कौन ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ 11,000 पहुँचते हैं। चलो आपको ट्रांसफार्मर को लेकर चलता हूँ। चलिए, अब हम 11,000 यहाँ आ चुकी है, तो 11,000 को 440 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम वो दिखाना चाह रहे हैं। आइए, ये देखिए ट्रांसफार्मर रखा हुआ है सब स्टेशन के पास, जिसी भी इसको 11,000 आ रही है अंडरग्राउंड होके। बताएंगे ये जो अंडरग्राउंड वायर आ रही है ये कितने उसका है? ये देखो 11,000 का है, ये अंदर से हमारे सब स्टेशन से निकल करके 250 का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, 250 किलोवाट का। ये हमारा 250 का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर पे 11,000 की सप्लाई हमारे अंदर से इसमें कन्वर्ट की गई और इसके पीछे 440 वोल्ट निकलते हैं, इसी के द्वारा हम घरों में लोगों को 440 वोल्ट देते हैं। तो आपको कहने का मतलब है कि जो आपने पैनल अंदर बताया 11,000 वहाँ जा रही है और आपने कहा कि एरिया बांट देते हैं, तो जैसे कि एक ये माध्यम में एक एरिया है सब स्टेशन, तो आपने 11,000 इस पर ला के दी अंडरग्राउंड जी, और यहाँ से ही अंडरग्राउंड एरिया वाइज निकली है 440 वाली जी। तो गाइस देखा आपने, तो हमारे अंकित जी ने बताया कि हम जो हमारे 132 से लाइन निकल के आ रही है जो 33,000 किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है वो अंकित जी ने बताया, और फिर 33,000 को 11,000 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है पैनल के द्वारा वोल्ट बताया, और फिर 11,000 को बताया कि 440 जो कि हम कॉलोनी में या कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं वो इसी ट्रांसफार्म के यानी 250 का होता है या 600 का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम 440 सप्लाई कंज्यूमर को देते हैं।